तीन किस्म की है। सबसे पहले वाली जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका है, इसकी ये साइड हाइट पे आनी है, ये वाली जो है इसके दोनों सिरे बराबर आने हैं इसके, लास्ट वाली की ये साइड नीचे है, ये साइड ऊपर आएगी, अली लफ्ज़ों के दरमियान में आए, शुरू में आए, आखिर में आए, अली बिल्कुल सीधा होना है। ये जीन का सार है और ये पेट है, ये इसका दायरा है, ये इसका हाफ का कार है। बेटा आवाज नहीं आए तो चुप करके बस करें। ये लफ्ज़ों की मुनासबत से काफ़ी यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शर्त नहीं है कि सिर्फ काफ़ी इस्तेमाल करना है इसको, ये काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे अगर आप कोई पैराग्राफ या शेर मिसरा का ऐसा लिख रहे हैं तो उसके आखिर के अंदर जगह ज़्यादा बच गई है तो आपने ये वाला लफ्ज़ बड़ा करके लिख लेना है। से जिस वक्त लफ्ज़ों के साथ मिल के बन रही हैं तो फिर भी उसकी दोनों साइडें उठती हुई नजर आनी चाहिए, सिर्फ सेंटर वाला हिस्सा लाइन के साथ जुड़ना है, सारा लफ्ज़ लाइन के साथ नहीं जोड़ना। और जब भी लफ्ज़ों का मजमू बढ़ता जाएगा, जैसे ये दो लफ्ज़ों का मजमू है, लाइन से ऊपर चला गया लफ्ज़, तीन लफ्ज़ों का मजमू होगा तो और थोड़ा सा हाइट से शुरू हो जाएगा। जिस बच्चे का जिस लफ्ज़ के ऊपर काम है वो शुरू करें अपना काम, या कितने लफ्ज़ों का मजमू है, मीम लाफ काफ ये थे पांच लफ्ज़ों का मजमू है, जितना लफ्ज़ों का मजमू बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा वो लाइन से हाइट उसकी बढ़ती जाएगी। इस लफ्ज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चे बात ध्यान में रखें, मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई लफ्ज़ खींच के लिखना हो, अलिफ वाला पे लफ्ज़ खींच के लिखना हो, उसकी पहली साइड और दूसरी साइड या बराबर आनी है या सिर्फ एक डॉट की स्पेस आती है। इसी तरह लाम अलिफ ला जब भी लफ्ज़ लिखना हो, लफ्ज़ लाइन से ऊपर रहना है, लफ्ज़ लाइन से ऊपर होगा सिर्फ लाम अलिफ ला लाइन के साथ जुड़ना है, एक अलिफ बड़ा आना है, एक अलिफ छोटा आएगा, लेकिन दोनों अलिफ बिल्कुल सीधे आने हैं, इस तरह इस रूप पर नहीं आने हैं, आपने इस तरह कर दिया ऐसे नहीं आएगा, ये गलत है, बिल्कुल सीधे आने हैं और लाम लिखना बिल्कुल रुक करके अंदर लाट मिला लें आपने। इस बच्चे की आवाज़ आ रही है, मैंने उठा के बाहर भेज देना, मैंने अचानक एकदम देखा नहीं इधर आदर उधर और बोलता नजर आया तो मैंने बाहर बिठा देना, मैं आपको पहले बता दूँगा, बड़ी मेहनत कर ली आप।
लफ्ज काफ अलिफ का जब भी लिखना है, कल लफ्ज लिखना है, गुल लफ्ज लिखना हो, काफ अलिफ का लफ्ज लिखना हो, ये आप लोगों के जहन में होता है कि शायद ये वाला अलिफ ज़्यादा लंबा रखना होता है और ये साइड छोटी होती है। इस तरह नहीं होता, इसकी ये साइड ऊपर होती है, ये साइड नीचे होनी है और ये साइड इसकी ऊपर होनी है। तो लाइन लगा के चेक करें तो ये साइड ऊपर आनी चाहिए। जिस बच्चे का जिस लफ्ज़ के ऊपर काम है वो अपना शुरू करें। और ये लफ्ज़ की पहचान मैंने बताई थी कि जो लफ्ज़ लाइन से ऊपर होगा वो रे पढ़ा जाएगा और जो लफ्ज़ लाइन के साथ बराबर होना है वो दाल पढ़ा जाएगा। रे वाले लफ्ज़ का ये कोना, ये सिरा ऊपर नहीं जाएगा यहाँ से, जबकि दाल वाला लफ्ज़ यहाँ से ऊपर गया होता है। और लफ्ज़ों के साथ जिसमें रे और दाल मिलकर बनती है, ये याद रखें उसकी शक्ल रे की तरह ही होनी है, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने, ये गलत होगा, ये वाला सही होगा। और रेम और दाल बनाते हुए अपने हाथ को इस अंदाज में झटका नहीं देना कि जहाँ तक जा रहा है जाने दें। लफ्ज़ जो है वो आपके कंट्रोल में नजर आना चाहिए कि आपने अपनी मर्ज़ी से लफ्ज़ को रोका है। लफ्ज़ इस तरह अपनी मर्ज़ी से रोकना है आपने। ये लाम वाला लफ्ज़ जो है वो आखिरी कुछ बचे हैं, लाम वाले लफ्ज़ पे आ गए हैं। आप लोगों ने लाम वाला लफ्ज़ जो है वो आज लिखना है, इसको ध्यान रखें कि किस अंदाज में और कहाँ से लफ्ज़ की आयत शुरू करनी है। ये भी सेम उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि जब लफ्ज़ खींच के लिखना हो उसकी पहली साइड और दूसरी साइड बराबर होनी है, तो ये अलिफ वाला लफ्ज़ यहाँ से बनेगा। तो ये पहली साइड और दूसरी साइड बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डालना, या बराबर या सिर्फ एक कद की स्पेस आएगी।
इसके बाद आपके जो हैं सिर्फ दो लफ्ज रह गए हैं, एक बड़ी वाला छोटी वाला, और इसके बाद हार वेयर भर पेट वाला लफ्ज, जो लंबी वाली रही होती है ना, वो दो लफ्ज आपके रह गए सिर्फ। इसके बाद आपके शेर शुरू हो जाएंगे, शेरों के बाद तीन या चार दिन बाद, जितने दिन भी आपके लगेंगे, तीन चार दिन बाद आपका पेन शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। राइटिंग के पेन शुरू होता सार ही आपकी राइटिंग में चेंज आना शुरू हो जाएगा। कोशिश करेंगे जो लफ्ज भी आपको लिख के दे रहा हूँ पेंडिंग ना करें। ओके, थैंक यू।